अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप तमाम सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैथ, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत तमाम शामिल हैं। देखें, यहाँ पर मैंने पहले ही वीडियोज़ बनाई, एक सीरीज़ बनाई, जिसके अंदर 2 हफ्ते वीडियो अपलोड करता रहा के जिसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट्स शेयर कर रहा था, मैथ के, इंग्लिश के, उर्दू के, इस्लामियत के थ्योरम्स और तमाम चीज़ें। अब लेकिन यहाँ पर बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों को जो चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही थी। तो उनकी कन्वीनियंस के लिए, उनकी आसानी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ कि उनको किस तरह से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम हुई। तो अब मैंने बेहतर समझा कि ये एक वीडियो बना लूँ जिससे मैं बच्चों को ये बात जो है वो समझा दूँ। तो चलें इधर आ जाए, हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपको मिलेंगी। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 10 बच्चे देखते हैं तो सिर्फ 2 सब्सक्राइब करते हैं, 8 करते ही नहीं हैं। तो ये कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसको सब्सक्राइब ना किया जाए, यानी इस पर कोई ऐसा मटेरियल हम खुदा ना खास्ता अपलोड नहीं करते हैं जो कि किसी भी तरह से गलत हो, ठीक है। हर चीज़ का मैं जो है वो बहुत ध्यान रखता हूँ, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी ध्यान रखूँगा। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। अगर आप ये सोच के नहीं करते हैं कि अगर कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई गलत चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, चले, क्योंकि हमें ये पता चल रहा होता है कि कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखें, व्यूज़ मिलियंस में है लेकिन सब्सक्राइबर तो लाखों में भी नहीं है, तो इसका मतलब भी आप भी समझ सकते हैं कि बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हैं। तो आप लोग किया करें, ठीक है, शेयर भी कर दिया करें। एक टीचर अगर आपसे कह रहा है कुछ करने को, तो फिर आपकी वो ज़िम्मेदारी है कि आप वो ज़रूर करा करें। चलें अभी इसको करते हैं, चलें। अच्छा देखें, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने यूट्यूब खोलना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ YT, Y यानी U और T यानी ट्यूब। तो क्या, सबसे पहले आपने YouTube खोलना है, या चाहे तो आप Google खोल लीजिए, ठीक है, वो आपकी आसानी के लिए। आप चाहे तो YouTube खोल लें या चाहे तो Google खोल लें, ठीक है। दोनों में से कोई भी खोल लें, उनके सर्च में जाएं और जाकर लिखें ME, पूरा लिखिएगा, ठीक है, ME इंग्लिश सेंटर, ठीक है, ये आपने लिखना है वहाँ जाकर। तो आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा, सबसे ऊपर आपको जो है वो हमारा चैनल मिल जाएगा। तो आपने या तो YouTube पे जाना है या Google पे जाना है, जो भी ब्राउज़र हो उस पर कोई जो है वो यहाँ पर कंसर्न नहीं है, आपने सिर्फ Google और जो है वो YouTube में जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप TikTok में जाके ये कर रहे हैं तो वहाँ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि TikTok पे हमने अपना मटेरियल अपलोड नहीं किया, हमने YouTube या Google पे मटेरियल अपलोड किया है अपना, ठीक है। तो फिर जब आप ये कर देंगे तो फिर आपने ME इंग्लिश सेंटर लिखना है, कहाँ पर लिखना है, सर्च में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च में जाकर ये लिखना है, ऊपर आ रहा होता है ना, आपको कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो आप सर्च में जाके लिखते हैं, ठीक है। तो आपने ये सर्च में जाके लिख देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने चैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही चैनल का आइकॉन बनाएगा ओपन कर लीजिएगा, फिर चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, फिर चले जाइएगा प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे, आपको वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। मुख्तलिफ प्लेलिस्ट मैंने वहाँ बनाई हुई है, तो जिसमें से एक प्लेलिस्ट आपको ऐसी मिलेगी जिसमें लिखा हुआ होगा कि ऑल सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स MCQs, ठीक है, इस तरह का उसका टाइटल होगा उस प्लेलिस्ट का, और थंबनेल भी बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा इसी तरह का, इस वीडियो की तरह ही उस पर भी थंबनेल डाल दूंगा ताकि आसानी रहे समझने में, ठीक है। पहली वीडियो यही डाल दूंगा उसमें, उस प्लेलिस्ट में, ताकि कोई भी बच्चा आए ना उसको देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो फिर आप थंबनेल के लिए, आप जो है प्लेलिस्ट के लिए जो है वो क्लिक कीजिएगा, आपको तमाम वीडियोज़ एक साथ मिलेंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो सके तो एक साइड पर वो चला भी दूं, ठीक है, ताकि आपको और आसानी हो जाए। तो आपको तमाम वीडियोस एक साथ मिलेंगी, उन तमाम वीडियोस के अंदर उनके इम्पॉर्टेंट्स का लिंक मौजूद है, ठीक है, उनके इम्पॉर्टेंट्स का लिंक। जैसे कि आपने उर्दू की वीडियो खोली, उर्दू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो खोली, तो उसके अंदर उर्दू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद होंगे। इसी तरह उर्दू के इम्पॉर्टेंट ऐसे की वीडियो खोली तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ऐसे मौजूद होंगे। MCQs की खोली तो MCQs भी मौजूद होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर आप वीडियो खोल रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसे देख भी लें, क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैंने की पॉइंट बताए हैं, वो बातें बताई हैं जो कि आप गलती कर रहे हैं और नंबर कटवा रहे हैं। बहुत से बच्चे अक्सर हमें भी ये बात बोलते हैं, और हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि सर हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया था, फिर नंबर कहाँ कट गए। तो काफ़ी टीचर तो ऐसा करते हैं कि वो उनको बच्चों को पेपर वापस नहीं करते, कि
बच्चे क्या करेंगे अब उस पेपर का, क्योंकि अब उनके लिए तो वो ज़्यादा कोई काम के रहे नहीं। लेकिन मेरे को जब कोई ये बात बोलता है कोई स्टूडेंट, तो मैं उसको उसका पेपर वापस कर देता हूँ फौरन, ठीक है, कि आप ये चेक करें कि इसमें कहाँ गलती है। मैं बताता नहीं हूँ कहाँ गलती है, मैं बोलता हूँ आप एक दिन ले जाएँ इसे और चेक करके लेकर आएँ, ठीक है, ताकि आपको जो है ना ये माइंड आपका बन जाए कि गलती मैंने की थी, सर ने नहीं की, ठीक है, या हो सकती है हमसे भी हुई हो। तो आप एक दिन ये पेपर ले जाएँ, अगले दिन मुझे ला के दीजिएगा। तो बच्चा लेके जाता है, अगले दिन ला के देता है, तो फिर वो बोलता है सर यहाँ पर हमसे ये गलती हुई कि हमने जो है वो नंबर नहीं डाला, यहाँ पर हमसे ये गलती हुई कि हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, यानी आंसर उसका पूरा नहीं लिखा, और यहाँ पर ये गलती हुई कि आंसर कुछ था लिखा कुछ, ठीक है। तो फिर वो बच्चा खुद ही समझ जाता है। तो ये गलतियाँ होती हैं जो वो बच्चे करते हैं, ठीक है, और मोस्टली बच्चे करते हैं, ये तमाम बच्चों की हैबिट में आ रही होती है। तो जो आप लोगों की हैबिट में शामिल है, जो आप लोग रैंडम गलतियाँ कर रहे होते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए, कि ये गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो वो इन वीडियोस में वो गलतियाँ बताई हुई हैं। रोज़ आप एक काम करें कि एक वीडियो खोल लें, एक वीडियो का जो है वो लिंक डाउनलोड कर, एक वीडियो का जो PDF है वो डाउनलोड कर लें और वो वीडियो देख लें, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं वो देख लें, इंशाल्लाह आपके नंबर जो है वो अच्छे आ जाएंगे। देखें आखिरी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं वैसे तो चाह रहा था कि ये एग्जांपल ना दूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये एग्जांपल दे देनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ फ़ायदा दे, चाहे वो दवा हो दुआ हो, वो हमें देनी चाहिए लोगों को। चलें देखें, यहाँ पर देखें दो हमारे पास लोग हैं, ठीक है, ये एक हमारे पास एक आदमी है, ये है हमारे पास एक आदमी, ठीक है, दो आदमी हमारे पास। अच्छा, ये आदमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, ठीक है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, ठीक है, हार्ड वर्क, ठीक है, और ये जो है वो स्मार्ट वर्क करता है। अब ये कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आदमी बोला है तो आदमी ही होंगे, कोई स्टूडेंट भी होते हैं। ये है जो है वो स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है, ये हार्ड वर्क करता है, ये स्मार्ट वर्क करता है। हार्ड वर्क से मुराद ये 12-12 घंटे काम करता है, और ये जो है ना सिर्फ 6 घंटे काम करता है। ये करता है 12 घंटे काम, ये करता है 6 घंटे काम। लेकिन अगर ये कोई कंपनी में काम कर रहा है तो इसकी जो सैलरी है वो है 1.5 लाख रुपये, ठीक है, ठीक है, 1.5 लाख रुपये लिख रहा हूँ मैं यहाँ, चलें सिर्फ जो है ना मैं यहाँ पर 1.5 लाख लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, ठीक है, इसकी सैलरी है 1.5 लाख, और इसकी जो सैलरी है वो सिर्फ़ है सिर्फ हमारे पास 30,000 रुपये, ठीक है, इसकी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपये। अब ऐसा क्यों है, इसकी सैलरी 30,000, इसकी 1.5 लाख, जबकि ये तो हार्ड वर्कर है, ये हार्ड वर्क कर रहा है, ये स्मार्ट वर्क कर रहा है। तो देखिए, जो हार्ड वर्क करता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़्यादा मिले, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि किस तरह काम करना है। और लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है ना, वो ये देखता है कि किस तरह काम करना है। तो मैं आप लोगों को हार्ड वर्क की तरफ नहीं ले जाता है, स्मार्ट वर्क की तरफ ले जा रहा होता हूँ। ये जो तमाम बातें बताता हूँ ये स्मार्ट वर्क की तरफ ले जाती हैं। और जो स्मार्ट वर्क करता है ना, वो कामयाब भी रहता है, चीज़ों को जल्दी सीखता भी है, अपने दिमाग को सीखने वालों में ले जाता है, यानी अपने दिमाग को इस तरह से जो है वो ट्रीट करता है, अपने दिमाग को इस तरह से टीच करता है, अपने दिमाग को इस तरह का बनाता है कि मैंने चीज़ों को सीखना है, गेट करना है। हार्ड वर्क करने वाला बस ये देखता है कि बस ये मुझे मिल गया, अब यही चीज़ बार बार करते रहना है, यही चीज़ बार बार करते रहना है, यही चीज़। तो मैं ये नहीं कहता कि हार्ड वर्क ना करें, करना चाहिए, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना शुरू कर देंगे ना, तो ये जो सैलरी है ना वो 1 लाख से 1.5 लाख से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1,80,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें आपस में ऐड हो सकती हैं, तो ये 1,80,000 हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप और अच्छी तरीके से काम करते हैं तो ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है, मल्टीप्लाई होकर क्या नंबर बनेगा वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने बता दी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसी चीज़ के ऊपर हमेशा मैं वीडियो बनाता हूँ, यही मेरी वीडियो का थीम रहता है कि हार्ड वर्क भी करवाना है, स्मार्ट वर्क भी करवाना है, लेकिन पहले स्मार्ट वर्क से शुरू करना है, फिर हार्ड वर्क की तरफ ले जाना है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरी वीडियो से सीख कर, देख कर, याद करना छोड़ कर समझना शुरू कर दिया चीज़ों को, यानी वो मुझे बताते हैं कि सर अब हम चीज़ों को सिर्फ समझते हैं और इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, MCQs भी खुद ही कर लेते हैं, बहुत सी चीज़ें। तो उन तमाम बच्चों के लिए मैं कहता हूं कि इसी राह पे चलते रहें, और जो बच्चे इस राह पे नहीं चल रहे हैं, चीज़ें अब तक नहीं सीख रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि इस राह पर आप भी चलना शुरू करें। आखिर में एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए कि आप ये सोचिएगा कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में 1 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रही है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में 1 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपसे आंसर पूछूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जवाब दीजिएगा, अगली वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि 1 न्यूटन फोर्स प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ लग रही है।
मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ न्यूटन का सेकंड लॉ बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक न्यूटन फोर्स कहाँ लग रही है प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी आपकी असल ज़िंदगी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। हार्ड वर्क भी करें, स्मार्ट वर्क भी करें और कामयाबी हासिल करें। अपनी कीमती दुआओं में जो है मुझे ज़रूर याद रखिएगा, अपनी दुआओं से जो है वो ज़रूर जो है मुझे याद रखिएगा, अपनी दुआओं से ज़रूर मालामाल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।